Hi, I'm Dr. Huma Noor. I am a medical oncologist in Fortis Escorts, Okhla. Today, we will talk about kidney cancer or gurde cancer. Kidney cancer is in every age group. It is in children and in adults. इसके रिस्क फैक्टर्स की बात अगर करें तो रिस्क फैक्टर्स इसमें स्मोकिंग है या मोटापा है और इसके अलावा कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जिसकी वजह से किडनी कैंसर के होने का रिस्क बढ़ जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें यूजुअली सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पेशाब के साथ खून आना या कमर में दर्द होना या हल्का सा बुखार होना या अगर एडवांस स्टेजेस की मैलिग्नेंसी हो तो उसमें फिर खांसी हो सकती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम सांस फूलना बोलते हैं या फिर खून भूख के साथ खून आ जाता है इसके अलावा अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसका यूजुअली डायग्नोसिस इमेजिंग पे होता है कभी इंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड पे रीनल मास का पता चल जाता है और प्रॉपर स्टेजिंग के लिए हम सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमें स्टेज का पता चल जाता है अगर बीमारी अर्ली स्टेज में होगी जैसे कि स्टेज 1-3 तो उस वक्त इसका इलाज सर्जरी से पॉसिबल होता है या तो पूरी किडनी निकालनी पड़ती है या तो फिर आधी किडनी निकाल के इलाज हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर स्टेज 4 की बीमारी हो तो उस वक्त सर्जरी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं आता है उस वक्त इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से हम किडनी कैंसर का इलाज कर देते हैं और उससे पेशेंट काफ़ी टाइम तक ठीक रहता है और अपना नॉर्मल जीवन कई साल तक बिता सकता है थैंक यू